हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक कुमार। यह कंप्यूटर बेसिक की थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। हम देखेंगे कंप्यूटर के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट हैं। यहाँ बेसिक कंपोनेंट का मतलब है अगर हमें नॉर्मल कामों के लिए भी कंप्यूटर को बनाना है तो हमें कुछ पार्ट्स की ज़रूरत होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिसके बिना हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से वो कंपोनेंट है। देखिए, पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस, तीसरा सीपीयू, चौथा मेमोरी, पांचवा स्टोरेज डिवाइस जो 5 होगा, छठा मदरबोर्ड एंड सातवां सॉफ्टवेयर। हम एक एक करके देखेंगे कि ये सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है। इट टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर एंड सेंड इनटू कंप्यूटर। अब जब मैं आपको पहले वीडियो में कंप्यूटर का मीनिंग बताया था, तो उस वक्त मैंने बताया था कि कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब डेटा कहाँ से जाएगा, काम करेगा जब उसे डेटा मिलेगा। अगर उसे डेटा नहीं मिलता है तो कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। और उसे डेटा कौन देता है, यूजर डेटा देता है। कंप्यूटर को डेटा यूजर देता है। अब यूजर को किसी ना किसी डिवाइस का यूज करेगा डेटा देने के लिए, तो इनपुट डिवाइस का यूज करता है यूजर डेटा को देने के लिए, किसे, कंप्यूटर को। सिंपल भाषा में क्या हो सकता है कि इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा लेता है और उसे कंप्यूटर के पास भेज देता है। इट टेक्स डेटा फ्रॉम यूजर एंड सेंड इनटू कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस यूजर से डेटा लेता है और उसे कंप्यूटर के पास भेज देता है। हमें कोई भी डेटा देना होता है, इट इज अ डिवाइस थ्रू विच वी गिव इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर। हम इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं और उस डेटा के हिसाब से ही कंप्यूटर फिर काम करता है। कंप्यूटर को हम डेटा देते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा। यानी हम एक लाइन में हम कह सकते हैं कि इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो यूजर से डेटा लेता है और उसे कंप्यूटर के पास भेज देता है। एग्जाम्पल, कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम डेटा टाइप करते हैं और वो कहाँ पहुँच जाता है, वो कंप्यूटर में पहुँच जाता है। तो कीबोर्ड क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस। हम डेटा कंप्यूटर को नहीं दे रहे हैं, हम किसे दे रहे हैं, कीबोर्ड को, लेकिन वो कहाँ पहुँचा देता है, कंप्यूटर के अंदर। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। दूसरा एग्जांपल हो सकता है माइक्रोफोन। देखिए, माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन में हम बोलते हैं और वो कंप्यूटर के अंदर पहुंच जाता है। यानी माइक्रोफोन भी क्या कर रहा है, ये हमसे डेटा ले रहा है और कंप्यूटर के पास भेज देता है। तो माइक्रोफोन भी क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस। और क्या हो सकता है, माउस। माउस देखिए, माउस भी एक बहुत अच्छा इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइस है जो यूजर से डेटा लेता है और उसे कंप्यूटर के पास भेज देता है। तो इनपुट डिवाइस उस डिवाइस को कहेंगे जो यूजर से डेटा लेता है और उसे इनपुट डिवाइस के पास भेज, उसे कंप्यूटर के पास भेज देता है। एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, माउस एटसेट्रा। आगे देखते हैं और क्या है, इनपुट डिवाइस। देखिए, इनपुट डिवाइस क्या होता है, मैं इसे मिटा देता हूँ। इनपुट डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच सोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट और हार्ड कॉपी। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर काम कैसे करता है, जब उसे डेटा मिल जाता है तो वो काम करता है। और डेटा हम कंप्यूटर को कैसे देते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा। अब वो डेटा हमें जब तक शो नहीं होगा, जब तक हमें उस डेटा वो डेटा दिखाई नहीं देगा, या कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया, डेटा को मैंने दिया और कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन जब तक हमें दिखाई नहीं देगा तब तक वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम का नहीं है। पता चल करने के लिए हमें डेटा दिखाई देना चाहिए। तो डेटा को दिखाने का काम, डेटा को शो करने का काम आउटपुट डिवाइस का होता है। आउटपुट डिवाइस देखा को डेटा को दिखाने का काम करता है। अगर मुझे डेटा देखना है, इन्फॉर्मेशन देखना है, तो कहाँ से दिखाई देगा, हमें आउटपुट डिवाइस में। और ये दो तरीके से डेटा को शो करता है, सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, आउटपुट डिवाइस में जो भी डेटा होते हैं अगर वो सॉफ्ट कॉपी में है, तो सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब है, हम उसे सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। और हार्ड कॉपी का मतलब है हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, मॉनिटर। मॉनिटर में क्या होता है, डेटा दिखाई देता है, तो मॉनिटर क्या है, एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है। और फिर प्रिंटर, प्रिंटर में हमें डेटा दिखाई देता है, प्रिंटर भी क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस। और प्रिंटर कैसा डेटा शो करता है, हार्ड कॉपी में। क्यों, क्योंकि प्रिंटर में जो भी डेटा शो होता है उसे हम देख भी सकते हैं एंड टच भी कर सकते हैं। तो प्रिंटर कौन से फॉर्म में डेटा को शो करता है, हार्ड कॉपी में। मॉनिटर में जो भी डेटा हम दिखाई देता है उसे हम सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में शो करता है, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में
उसको करता है डेटा को। आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो डेटा को दिखाने का काम करता है, दर्शाने का काम करता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर एटसेट्रा, और भी हो सकते हैं स्पीकर, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। सीधे सीधे भाषा में हम बोल सकते हैं आउटपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को दिखा, डेटा या इन्फॉर्मेशन को दिखाने का काम करता है, डेटा को शो करने का काम आउटपुट डिवाइस का होता है। आगे देखते हैं हम क्या है सीपीयू। ये देखिए क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैंने आपको बता दिया कि इनपुट, हमने कंप्यूटर को डेटा देना है तो हम किसके द्वारा देंगे, इनपुट डिवाइस के द्वारा। और डेटा हमें दिखाई कहाँ देगा, शो कहाँ होगा हमें, डेटा या इन्फॉर्मेशन हमें शो होगा आउटपुट डिवाइस में। लेकिन हम कंप्यूटर को डेटा दे क्यों रहे हैं, ताकि वो प्रोसेस कर सके, प्रोसेस करके करके हमें इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके हमें दे सके। तो जो कंप्यूटर में कौन ऐसा डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करेगा, वो कौन ऐसा डिवाइस है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू इन्फॉर्मेशन। सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स है उसे कंट्रोल करने का भी काम सीपीयू करता है। अब जैसे माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, उसे कंट्रोल कौन करेगा, सीपीयू करेगा। और डेटा को प्रोसेस करने का भी काम किसका होता है, सीपीयू का। सीपीयू दो काम करता है, एक डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी डेटा को प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है। एंड कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन्हें उन्हें कंट्रोल करने का भी काम सीपीयू का होता है। आगे क्या लिखा है देखिए, इट हैज टू कॉम्पोनेंट ALU एंड CU। कंप्यूटर सीपीयू के अंदर दो पार्ट्स होते हैं ALU एंड CU। अभी देखते हैं एक एक करके क्या होता है। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, और CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। चलिए देखते हैं एक एक करके कि ALU एंड CU क्या होते हैं। ALU देखिए क्या होता है, ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अब अर्थमेटिक का क्या मतलब होता है, जो भी मैथ्स के काम होते हैं उसे हम अर्थमेटिक कहते हैं, से हम अर्थमेटिक कहते हैं। ALU क्या करता है, इट परफॉर्म्स अर्थमेटिक और मैथमेटिकल वर्क्स एंड लॉजिकल वर्क। ALU जो है वो जितने भी मैथ्स के काम है और लॉजिक के काम है वो कौन परफॉर्म करता है, ALU करता है। और ये कहाँ होता है, ये CPU के अंदर होता है। CPU के अंदर जो मैथ्स के काम है और लॉजिक के काम है उसे परफॉर्म कौन करेगा, ALU करेगा। CPU में एक ALU पार्ट होता है जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क को परफॉर्म करता है। देखते हैं ALU और क्या क्या करता है, इट परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। ALU जो है वो एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है, डिवीजन करता है। ये हो गए हमारे मैथ्स के काम, मैथमेटिकल काम। और लॉजिकल वाले कौन से काम करता है, वो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, एंड और नॉट, ये सारे काम कौन करता है, ALU करता है। यानी ये देखिए ये क्या है, ये मैथ्स के काम है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, एडिशन, ये मैथ्स के काम है यानी अर्थमेटिक के काम है। और जो ये ग्रेटर देन, लेस देन, ये क्या है, ये लॉजिकल काम है यानी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है, अर्थमेटिक और मैथमेटिकल एंड लॉजिकल काम को परफॉर्म करता है। तो हम वी कैन से इट प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। तो हम सीधा सीधा भाषा में कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा को प्रोसेस करने का काम होता है वो ALU करता है। कौन करता है, ALU। ALU डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है, CU। CU क्या होता है, अब मैंने आपको बताया था जो CPU है वो दो काम करता है, एक डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है CPU। एंड CPU और क्या काम करता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर में उसे कंट्रोल करने का काम भी सीपीयू का ही होता है। तो ALU हमने देखा जो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है वो किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर। अब कंट्रोल भी तो कोई ना कोई करेगा जो सीपीयू के अंदर ही होगा, तो कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है, कंट्रोल यूनिट जो सीपीयू के अंदर होता है। अभी क्या करता है, इट कंट्रोल्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सीयू जो है वो कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स हैं उसे कंट्रोल करने का काम सीयू का होता है। अभी हमने देखा था सीपीयू, सीपीयू क्या काम करता है, डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है एंड हर पार्ट्स को कंट्रोल भी करता है। तो सीपीयू के अंदर कौन से पार्ट्स है, सीपीयू के अंदर पहला है ALU, ALU जो डेटा को प्रोसेस करेगा, एंड CU जो हर पार्ट्स को कंट्रोल करेगा। ये काम होते हैं ALU एंड CU के।
उम्मीद है आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड सीपीयू अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे जितने ही पॉइंट्स हैं, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, मदरबोर्ड, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।